देख रहे हैं ए न्यूज, मैं हूं हफ्सा मिन्हास। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस। पुरम एजेंसी में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी अहलकार शहीद, दो जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की गनशिप हेलीकॉप्टर से दहशतगर्दों के ठिकानों पर शेलिंग। कराची में गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना, तीसरे रोज में दाखिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज लांजी दाऊद चुरंगी में रैली निकालेगी। बिजली की किल्लत, 2287 मेगावाट रह गई। मुल्क भर में कहीं भी गैर ऐलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। जिसके नाम पर छुट्टी है वो आज भी काम पर है। मेरे देश में आज लेबर डे है। सदर और वजीर आजम ने अपने खुसूसी पैगाम में मजदूरों की हालत इजार बेहतर बनाने के आजम का इरादा किया है। और भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंचने पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पुरतपाक खैर मकदम। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर पर सालसी का इंदिया भी दे दिया। We'll be right back.